आज किशा गौतमी ने अपने साथियों को अंतिम सांस में कहा, भैया मेरी मैया को धीरज वश बना देना। एक साथी माँ के पास से पहुंच जाता है। जैसे ही माँ के पास पहुंचा और कहा, मैया अरे बेटा मेरे लाला को कहाँ छोड़ आए हो? आंखों में आंसू आ गई। कहा, मैया क्या बताऊं, हम और भैया साथ साथ गेंद खेल रहे थे। जैसे भैया ने गेंद का तहल मारा, एक झाड़ी में जाके गेंद गिर गई। मैया मैंने भैया से हर तरह से समझाया, लेकिन भैया ने मेरी एक भी नहीं मानी। माँ आपको बाप में याद कर रहा है। भैया समझ गई मैया कि मेरा बेटा दुनिया से दूर हो गया है। हाय लाला, हाय बेटा, कहाँ हो चैया, कैसे रहेगी इस दुनिया के बीच में तेरी मैया? आंखों में आंसू लेकर के और अपने बेटा के पास जाने लगी है और सोच रही है, बेटा कैसे रहूंगी। और जैसे ही कहीं तो जमीन पे गिर जाती है, एक साथी उठा देता है, माँ दिल को धीरज रखो। जैसे ही कृष्णा गौतमी उस बाग में पहुंची और अपने बेटा को जमीन पे लेटे हुए देखा, पछाड़ खा के गिर गई। बेटा आके खोल के देख, मैं तेरे पास आ गई हूँ बेटा। और किसा गौतमी के बेटा ने अपनी सासु को छोड़ देता है। आज मृतक लाश को किसा गौतमी चूम लेती है, घुटनों पर रख लेती है और सोच रही है, आंखों में आंसू लेके रोने लगी है, बेटा क्या क्या अरमान सजाई थी, आज मेरे सारे अरमान मिट्टी में धूल हो गए। तो एक कैसी आए गई बेटा तेरी मैया रहती बुलाई रे। आंखें खोल के देख छैया, मैं तेरे सामने हूं, एक बार मेरे से मैया कह दी लाल ने। मैया रही जगाई रे, लखो बेटा की दशा आज बा गैया सी डकराई रे, लखो बेटा की दशा आज बा गैया सी डकराई। मैया कह दे, ओ बेटा निक बोलच नहीं है, ओ बेटा निक बोलच नहीं है, मैया को धीरो बंधिए रे। आज मात को लाला का तू गवे छोड़ सिधाई रे, मात को लाला कहा तू गौ है छोड़ सिधाई रे। हे कन्हैया हे आंखों के तारे छैया, जिधर अपनी नजरों से देखती हूँ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, कैसे जीवन नहीं है कार्टून ये बेटा। तुम बिन बेटा जा मैया तो सुनो दी के जग संसार,
अरे निराशा छोड़ चले गई नैया डूब गई मझधार, अरे करे निराशा छोड़ चले गई नैया डूब गई मझधार। अतिका गम अतिका दुख मानव को पागल के समान बना देता है। कृष्ण अपने बेटे के शोक में इतनी व्याकुल है, कैसे रहूंगी इस बीच में बेटा। और कहते कहते बात दुखिया की गम की अंधेरी छाई, ओ मेरे अरे हत्यो तपोधारी ले ले शरण तुम्हारी, मेरे अरे हत्यो तपुधारी ले ले शरण तुम्हारी। आज घुटनों पे धर के लाश व मैया बाग में रोवत है, और बाग में रोवत है कि दुखिया सिर धुन धुन रोवे। आज घुटनों पे धर के लाश की भैया, आज किशा गोद में फूट फूट के रोई। सभी साथी धीरज बनाते हैं, माँ दिल को धीरज रखो, अब तो भैया दुनिया से दूर हो गई है, अब लौट के नहीं आएंगे। इधर ही खबर श्रावस्ती को सभी लोगों को पता चली कि किशा गौतमी के पुत्र को नागिन ने डस लिया है। दौड़ पड़े सभी लोग और बाग में आ गए, जहां किशा गौतमी माँ बैठी हुई थी मृतक लाश को बेटा को गोद में ली हुई। सभी ने धीरज बंधाया, कहा बहन क्यों रो रही हो। कहा भैया मेरे बेटा को नागिन ने डस लिया है, मैं इस दुनिया के बीच में कैसे रहूंगी, मैं भी अपनी बेटा के साथ मर जाऊंगी। नहीं नहीं बहन, मरने से कुछ नहीं होगा, मरो मत, जान मत दो, अरे चली जाओ। कहां कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध जेत वन में धम्मदेश न कर रहे हैं। कहा बहन वहां जाओ और आपके बेटे को वो जीवन दान अवश्य दे देंगे। अच्छा आप जानते हैं कोई प्यासा हो अगर उसे पानी सामने आ जाए तो धीरज बन जाती है। कहा सुनो बहन, अरे रुके तथागत जेतवन में श्रोताओ सुनियो चितलाई, पुत्र को। अच्छा भैया हाँ, रुके तथागत जेतवन में श्रोताओ सुनियो चितलाई, मृत को बेटा को गोद लिए, मृत को बेटा को गोद लिए बहना रही जेतवन को जाई। जैसे ही अपनी कानों से शब्द सुने,
आज कृष्णा गौतमी अपने इकलौते बेटा को मृतक लाश को उठा लेती है और आंखों में आंसू लेकर के कावड़ा के सागर भगवान बुद्ध के पास जीत वन में जाने लगी है, वही रटन लगाई है। हाय बेटा, कैसे रहूंगी आपके बिना, क्या क्या अरमन सजाई थी मैं, एक बार आके खोल के देख बेटा, एक बार मेरे से मैया कह दे से मैं अपने दिल को धीरज रख लूं कन्हैया, और जीत वन की तरफ जाने लगी है, आंखों में आंसू है, कहने लगी बेटा। अरे बोली तो सुनाई दी प्यारी कुमारी कन्हैया, तड़प रही है तेरी दुखिया ये मैया, एक बार माँ कह दी मेरे से, बोली तो सुनाई दी प्यारी कुमारी कन्हैया, तड़प रही है तेरी दुखिया ये मैया। पुत्र थे वो भी इस मैया को अकेला कर गई जा रही है, तू ही मेरे आँखों का इकलो है तारा, तू ही है सारी जग का मेरा उजियारा, को धरैया तड़प रही है तेरी दुखिया ये मैया। खोल बेटा, कैसे रहूंगी। इधर जैसे ही किशा गौतमी मृतक लाश को अपने बेटा को जैसे ही जीत वन में गई, कावड़ा के सागर भगवान बुद्ध धर्म उपदेश दे रहे हैं। सारा विष्णु संघ बैठा है, ऊंचा आसन लेकर के कावड़ा के सागर भगवान बुद्ध बैठे हैं। जैसे ही किशा गौतमी को रोते हुए देखा,
और जाकर के अपने सर को पटक देती, भगवान ने कैसे रहूंगी, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो। कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि से देखा कि ये बेटी अपने बेटा के शोक में बहुत पागल के समान है। बेटी, भगवान मैं अपने बेटा के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, भगवान मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। नहीं 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 बेटी, समझ गए कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध। कहा, बेटी रोने से काम नहीं चलेगा, दिल को धीरज रखो। और आज समझाने लगे हैं जो भी कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया, शवि को कैसे कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध ने धीरज बनाया। इधर कहा, बेटी इतना ही दिन का आपका बेटा था। नहीं नहीं भगवान, आप दीन दुखियों की पुकार सुनने वाली हो, आज मेरा इकलौता बेटा है, इसे जीवन दान दे दो। क्या समझाने लगे हैं कौड़ा के सागर भगवान बुद्ध।